अर्ज कर रही हूँ कि मेरे मियाँ बिल्कुल ठीक थे, हम दोनों को इकट्ठा कोरोना हुआ। डॉक्टर वही चौधरी साहब ने उन्हें ट्रीट किया, मैं 5 दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो गई, मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल आ गए। लेकिन डॉक्टर साहब जो थे उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम चेस्ट का ज़्यादा था, वो ट्रीट हो रहे थे, बहुत बेहतर हो रहे थे, लेकिन उनकी ना ऑक्सीजन सेचुरेशन थोड़ी कम हो गई। तो मैंने कहा कि मैं इनको ना शेख ज़ायद ले जाती हूँ, ताकि इनको कुछ देर के लिए ऑक्सीजन टेंट में रखेंगे, 1-2 दिन में ये ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर रबानी साहब की बीवी को भी रखा, तो जब हम इनको वहाँ लेके गए तो वहाँ पर उस वक्त अटेंड करने वाला कोई डॉक्टर नहीं था, ना बेहोशी वाला था, ना कोई ये डॉक्टर सायरा थी जो इंचार्ज थी, वहाँ पर 2 नर्सें थी और एक जूनियर डॉक्टर था जो कि बेहोशी वाला था। उन्होंने सारे टेस्ट वेस्ट लिए, एक्सरे लिए, ये वो फला, उन्होंने ना उनको वो जो कैप होती है ना वो लगा दी कि जी ये इनको हम कैप से ठीक करेंगे, इनको कोई मसला नहीं है, इनकी सेचुरेशन जो है इस वक्त 97 है। मैं वो करवा के तो आ गई वहाँ से और तसल्ली कराई कि कोई बात नहीं, ये शाम तक ठीक हो जाएंगे। जब शाम में गई तो मेरी फिर मुलाकात हुई इस डॉक्टर के साथ, सायरा बाबर के साथ, तो वो कहने लगी कि नहीं जी ये ना हम इनको ना इसी तरह से ट्रीट करेंगे, कोई दवाई नहीं देंगे, आप सोचे भी ना मैडम कि आप वेंट पे डालेंगे। मैंने इनके आगे हाथ जोड़े, मैंने इनको खुदा की और रसूल की कसमें दी कि मेरे मियाँ को वेंट पे नहीं डालना, कोई मसला हुआ तो मुझे बताना, मैं यहाँ से उठा के किसी और शहर में ले जाऊँगी, लेकिन तुमने इनको वेंट पे नहीं डालना और एक इनको तुमने एक्टेमरा नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि उससे काफ़ी डेथ्स हो चुकी थी, उसका कोई फ़ायदा नहीं था लगाने का। इन्होंने मेरी इजाज़त के बगैर, मैं अपने शौहर की वारस थी, अगर बेशक मेरा बेटा वहाँ पर मौजूद था वो उसका वारस नहीं था और ना ही वो ये इजाज़त दे सकता था कि इसको वेंट पे डाल दो या इसको एक्टेमरा लगा दो। इन्होंने एक्टेमरा की 2 डोजेज उसको विद इन 7 आवर्स इसको लगा दी, जिसका उनको बजाय फ़ायदा होने के उनको और नुकसान हो गया और उनकी फिर जो थी सैचुरेशन वो फिर गड़बड़ हो गई। लेकिन फिर भी वो इन्होंने उसको पी पैप कहते हैं वो डबल डाल दिया, उससे वो ठीक हो गए। रात को वो बातें करते रहे हैं, उनके दोस्त आए हैं, ये कम्बो इसके फ्रूट मार्ट वाले, उन्होंने कहा यार तू बैठा है थे खान लगा है मेवा थे बाहर, तो लोग कहते पहने के तू बीमार है। वो डॉक्टर साहब से बातें की, उन्होंने हेलो हाय करके वो वहाँ से चले गए, उन्होंने बोतल पी, फिर डॉक्टर को, फिर उन्होंने लड़के को कहा कि तुम सो जाओ मैं अब ठीक हूँ। सुबह 7 बजे के करीब उनके पास ना मैं थी, मैं उसकी वारस थी, इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, मेरा बेटा था और एक वो एक जूनियर किस्म का ना वो कोई उसको 2 या 3 महीने हुए होंगे वो एनेस्थीसिया में आए, वो लड़का वो वहाँ पे मौजूद था। मैं गई तो मुझे मेरे बेटे ने बुलवाया कि जाओ अम्मी को ले आओ जाके ना, तो डैडी का कुछ मसला हो रहा है। अच्छा मैंने कहा चलो कुछ होगा तो मैं किसी डॉक्टर को कॉल करूँ। जब मैं आगे गई तो मेरा मियाँ मर चुका था और उसको ये अमाउंट दे रहे थे और मुझे उस वक्त इन्होंने बुलाया। और दूसरी बात ये कि उस मेरे नौकर ने बताई ये बात कि जी इन्होंने उनको ज़बरदस्ती डाला वो वेंटिलेटर, वो उनसे डल नहीं रहा था वो लड़के से, फिर कहता जा भाग के जाके वहाँ से एट्रोपिन उठा के ला, एट्रोपिन उठा के लाया वो उसके मुंह में दिया, पता नहीं कहता इतनी मुश्किल से उनकी जान निकली है ना कि आपकी सोच है, कहता मैं ऊँची ऊँची रोने लग गया। मैंने डॉक्टर हमीदुल्ला को कॉल की, वो फ़ोन ना उठाए, फिर उसको जो थी उसको कॉल की, वो जो है सायरा उसको स्टाफ को कहा कि उसको कॉल करो तो वो आके इनको ट्यूब डाले, कोई बंदा उस वक्त तक नहीं आया जब तक वो फौत हो चुके थे। अगर खुदा ना खास्ता वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी भी थी तो कोई सीनियर डॉक्टर तो उस वक्त आ जाता ना, कोई बेहोशी वाला नहीं आया। और ये जो लड़का है ना पल्मोनोलॉजिस्ट यहाँ पर इमरान बशीर, इसने ज़बरदस्ती उसको एक्टेमरा लगवाया जो उनकी ज़रूरत भी नहीं थी। एक्टेमरा एक ऐसा इंजेक्शन है जो इंसान की इम्यूनिटी को लो करता है और ये स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कुछ लोग लगाते भी हैं तो ये जब अक्यूट अटैक होता है उस वक्त लगाते हैं। तो मेरे मियाँ को उस दिन 18वां दिन था जिस दिन उसकी डेथ हुई है, 18 दिन के बाद कोई कोरोना का बंदा नहीं मरता।
वो तो टाइम गुजर चुका होता है उसका, वायरस का। उसने अपना जो दिखाना होता है वो दिखा चुका होता है। पूरा 18वां दिन था उस दिन, 28 ये नवंबर के दिन। मेरी ये इमरान खान से एक ही गुजारिश है कि उसने 22 साल इसके लिए काम किया, इसकी जमात के लिए काम किया, कोई फायदा नहीं उसने उठाया, ना इसने कोई ओहदा लिया। अगर इसने अपने ईमान के साथ उसकी इंक्वायरी ना कराई तो क्यामत के दिन मैं इमरान खान का गिरेबान पकड़ूंगी, दुनिया में भी पकड़ूंगी और आखिरत के में भी पकड़ूंगी कि यहाँ पर तुमने इतने गंदे लोग यहाँ लगाए हुए हैं, क्या इंसान नहीं है लोग कि आप उनको कुत्तों की तरह से डील करते हो कि रात के वक्त कोई सीनियर डॉक्टर ही नहीं होता, आई जाते हैं मारी जाते हैं, आई जाते हैं मारी जाते हैं, आई जाते हैं मारी जाते हैं। क्या इनका हक बनता था मुझे एक सवाल का जवाब दे दें कि एक बीवी कह के गई है कि तुम्हें रसूल का वास्ता है, तुमने मेरे मियाँ को वेंट पे नहीं डालना, तो तुमने किस लिए डाला और क्यों डाला? अगर कोई प्रॉब्लम हो भी गया था तो मुझे कॉल करो, आजकल कोई किसी को कॉल करना मुश्किल बात है। आप मुझे बताओ, अगर मेरा बेटा मुझे नहीं बता रहा, हो सकता है वो परेशान हो गया हो, उसको समझ में ही ना आ रही हो, क्योंकि उसका फील्ड तो नहीं था, क्यों नहीं कॉल किया इन्होंने मुझे, क्यों नहीं कॉल किया इन्होंने हमीदुल्ला को, क्यों नहीं इन्होंने कॉल किया सायरा को? और इसकी इंक्वायरी फाइन होनी चाहिए और इन लोगों के यहाँ से यूनिट बंद करना चाहिए। हर हर पेशेंट का इन लोगों को 50-50, 60-60, 1.5-1.5 लाख रुपया मिलता है एक 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 बंदे को ट्रीट करने का, तो वो कहाँ जाता है? मारने के लिए है ये? क्या फ़ायदा हुआ इमरान खान की हमें गवर्नमेंट लाने का? और मेरा मियाँ सारा सारा दिन सारी सारी रात इसके पीछे जलील होता रहा है। इसका मेरे इन सवालों का जवाब दे दे इमरान खान तो बात हो गई कि मेरा मियाँ अनअटेंडेड मर रहा है, अनअटेंडेड मर रहा है, अनअटेंडेड मर रहा है, उसको कुछ भी नहीं था। अगर सेचुरेशन कम हो भी गई थी नो प्रॉब्लम, आप डॉक्टर को कहो चलो वेंट पे डालना भी है तो कुछ सीनियर डॉक्टर वेंट पे डाले, उसको चमचों के साथ अदर डाल रहे हैं, चमचे उसके अंदर डाल रहे हैं, उसका मुँह खोल रहे हैं क्योंकि उसको वेंट पे डालना ही नहीं आ रहा उस शोएब को। अच्छा, जिस दिन डॉक्टर साहब की डेथ हुई है उससे कितनी देर पहले या कितने दिन पहले तक वो सेहतमंद थे? और रात को ठीक से बताया तो है कि रात को 11 बजे मैं गई हूँ, मेरी बहन आई है लाहौर से उनका हालचाल पूछने के लिए, 11:30 बजे ये कंबोज साहब गए हैं वहां पे, तो बातें कर रहे थे और वो ये उनको मेवा कह रहे थे ना, तो ये क्या इसका नाम है काजू हो गया, ये क्या इसका नाम है बादाम और मुनक्का वो खाया है उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने वो बोतल पी है। तो जिस बंदे ने इस तरह करके मरना हो वो ये कुछ करता है? ये जिसने वेंटिलेटर डाला है वही मेरे मेरे मियाँ का कातिल है और मैं इसका हिसाब ले के छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। इमरान खान के गाटे में फिट हो जाऊंगी कि क्यों डाला मेरी इजाजत के बगैर इसको, जब मैं एक अल्लाह रसूल के वास्ते देख के आई हूँ। कोई नहीं, जिंदगी मौत खुदा के हाथ में, अगर कोई इमरजेंसी हो भी जाती तो मैं उसको उठा के लाहौर ले जाती। और वेंटिलेटर वो इनके काम नहीं करे, वो काम कर ही नहीं रहा था, वो तो जाहिल डॉक्टर जो ऊपर बैठाया हुआ वो डालने लगा। जब आप डॉक्टर साहब आप जो है ना मतलब मुख्तसर ये बता दें कि यहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया भी है, कमिश्नर भी हैं, वज़ीर आला भी है, वज़ीर आज़म साहब भी हैं, आप का मुतालबा क्या है मेन? क्योंकि अब मेरा मुतालबा सिर्फ इमरान खान से है, क्योंकि मेरा मियाँ 25-24 साल इसके साथ रहा है, उसने इसके लिए जेलें काटी हैं। आप ये लिखेंगे इसमें, आपको कसम खुदा की लगे आप लिखेंगे कि उसने जेलें काटी हैं इसके लिए, इमरान खान के लिए, तो क्या उसका ट्रीटमेंट ऐसे होना चाहिए था? जावेद साहब गए हैं MNA, दो दिन जाते रहे हैं, वो पूछ के आते रहे प्रिंसिपल से भी बताओ उसका क्या हाल है, तो प्रिंसिपल आगे किससे कहता है कि जी वो तो बिल्कुल ठीक है, कल हम उनको घर भेज रहे हैं। अगर प्रिंसिपल की ये स्टेटमेंट है तो उस दिन रात को क्या हुआ? नहीं, यहाँ पे आप वजीर आजम साहब से तो आपकी अपील है या मुतालबा है
यहाँ पे जो पंजाब है उसका एक वजीर आला है सरदार उस्मान, मैं उसको वजीर आला ही नहीं मानती, जिसने इतना बेड़ा गर्क किया है ना अस्पतालों का, उसे क्या कहूं, उसे तो मैं कुछ नहीं कह सकती ना, जिसका बेड़ा गर्क उसने किया है, जहां पर वेंटिलेटर काम कर रही है। उसके जमाने में मैं MS थी, हमारे पास 50 वेंटिलेटर होते थे, इस लाइन में पड़े होते थे जब शहबाज शरीफ था, आप किसी को भी जाके एक मिनट में ऑन कर सकते थे, आम बंदा उसको ऑन कर सकता था, इनको तो वेंटिलेटर ही ऑन नहीं करने आते, जाहिल लोग यहां पर भरे हुए, चलाना तो दूर की बात है। यानी कि आपका कहना यह है कि इस हुकूमत से पहले जो PTI की हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, पंजाब है, जैसे यास्मीन राशिद साहब हैं मिनिस्टर, कोई भी हो, मेरे लिए सब भाड़ में गए, मेरा मियां मुझसे जुदा हो गया, सब भाड़ में गए, लेकिन उसके जमाने में ऐसे नहीं था, मैं खुद भी MS AMS वहां पर रही हूँ जी। आप भी शेख जायद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की MS रही हैं, तो आप उस दौर के और आज के दौर में फर्क बताएं। यही बता रही हूँ ना, उन दिनों डेंगू फैला हुआ था ना, कोई बंदा मरने दिया था हमने यहाँ, एट ए टाइम 60 थोड़ी बात नहीं है, 60 उसने ना वेंटिलेटर उसने भेज दिए थे, ये जो है अपना क्या इसका नाम है शहबाज शरीफ, और खुद चक्कर लगाता था कि देखो ये झूठ तो नहीं बोल रहे, तो क्या फायदा हुआ इसका इमरान खान का, एक इतना कीमती आदमी इसका इन्होंने मार दिया शेख जैद वालों ने, कम अज कम लोग डरते तो थे ना, चलो डर के अल्लाह की खिदमत करते थे, अल्लाह के मखलूक की, ये तो अल्लाह से भी नहीं डरते। अब वो देखो ना, वो उसको सायरा बाबर को कॉल कर करके उसके घर जाके वट्टे मारे के किसी तरह ये दरवाजा खोल दे, उस औरत ने दरवाजा नहीं खोला, ये हुकूमत है। इतनी दफा मैंने डॉक्टर साहब को कहा था आपको कुछ नहीं मिलना यहां से, इसको छोड़ दें, आप इनको आप छोड़ दें, किसी के साथ भी ना मिले आप। मैं ये नहीं कहती कि नून में जाए जीम में जाए, मगर एक बात आपको बता दूं, कभी आप पर मुश्किल पड़ी तो ये आपके काम नहीं आएंगे। आप जेल में गए आपके काम आया इमरान खान, एक दफा भी आके उसने कंसोल किया आपसे? आखिर मेरे मियां की जान ले ली इन्होंने कंजरों ने, छोड़ूंगी तो मैं भी नहीं, जहां दिल चाहेगा जाऊं, लेकिन इमरान खान तुझे अपनी मरी हुई मां की कसम है, अगर तूने मेरे मियां की इंक्वायरी ना करवाई तो, मेरे मियां को मारा गया है, कत्ल किया गया है, उसको जबरदस्ती उसको वेंट पे डाला है, कोई सीनियर डॉक्टर वहां था नहीं, वो जूनियर जो था वो स्पून के साथ वेंटिलेट कर रहा था, उसके अंदर वो डाल रहा था ट्यूब, बस ओके बंद करें।